सो हे गाइज़, वेलकम टू नॉलेज सीकर्स गाइज़। तो इस वीडियो में गाइज़ मैं बात करने वाला हूँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर, इस कॉलेज के प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स के बारे में, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि इस कॉलेज में जो प्लेसमेंट है वो कैसा होता है, हाईएस्ट पैकेज कितना जाता है और कितनी कंपनीज़ यहाँ पे आती है। तो देखिए गाइज़, ये कॉलेज काफ़ी नया है, इसलिए इस कॉलेज का जो प्लेसमेंट डेटा है गाइज़ वो भी काफ़ी कम है। बस 2019 और 20 के ही स्टेटिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि 2016 में ही गाइज़ ये कॉलेज ओपन हुआ था, इसलिए यहाँ पे जो डेटा है गाइज़ वो काफ़ी कम अवेलेबल है। तो उसमें से मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी कंपनीज़ 2019 और 20 में यहाँ पे विजिट हुई थी फॉर प्लेसमेंट्स। तो देखिए गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ़ कंपनीज़ यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगी। इसके अलावा पैकेज ऑफर्ड LPA 2019 और 20, तो ये यहाँ पे डेटा अवेलेबल है। और जो मेन डेटा है गाइज़ वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ब्रांच वाइज ऑफर्स विथ स्टूडेंट 19-20। तो देखिए गाइज, सबसे ज़्यादा तो प्लेसमेंट हुआ है गाइज स्टूडेंट का, तो वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इस ब्रांच से ही हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो 57% जो प्लेसमेंट हुआ है गाइज वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इस ब्रांच से हुआ है, इसलिए अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, क्योंकि जो प्लेसमेंट है गाइज वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है हर ही कॉलेज में। फिर है गाइज, आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसमें 36% प्लेसमेंट आप देख सकते हो आउट ऑफ 100। फिर है गाइज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें 13% देख सकते हो। और फिर है गाइज सिविल इंजीनियरिंग, इसमें आप 10% देख सकते हो। और गाइज फिर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 24। तो सबसे अच्छी ब्रांच हम मान सकते हैं गाइज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इस कॉलेज की, क्योंकि इसका जो प्लेसमेंट है गाइज वो काफ़ी अच्छा होता है, और ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा इस कॉलेज का जो प्लेसमेंट होता है गाइज वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में होता है। बट ये जो डेटा है गाइज वो चेंज हो सकता है, क्योंकि बस एक साल का ही डेटा है, तो हम ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बट तब भी एक साल के डेटा में हमें यही पता चलता है कि जो सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होता है गाइज इस कॉलेज में वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ही होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं गाइज प्लेसमेंट बैच 2019 और 20, तो यहाँ पे है गाइज कंपनीज़ के नाम, और यहाँ पे ऑफर रिसीव्ड है, यहाँ पे ब्रांचेस है, और यहाँ पे पैकेज है। मतलब ऑफर रिसीव मतलब कितने स्टूडेंट को वो ऑफर लगा है, मतलब कितने स्टूडेंट्स उस कंपनी में प्लेस हुए हैं, और यहाँ पे ब्रांचेस है मतलब कौन से ब्रांचेस से स्टूडेंट प्लेस हुए हैं। तो देख सकते हो गाइज यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ है, जैसे कुछ कंपनीज़ गाइज नागपुर मियान की भी है। तो अगर आपको नागपुर में ही रहते हो और अगर आपको नागपुर में ही जॉब करना है, तो गाइज़ आपको यहाँ पे वैसे भी प्लेसमेंट मिल सकते हैं। काफ़ी कंपनीज़ नागपुर में भी यहाँ पे प्लेसमेंट आपको दे सकती है, ठीक है। तो देखिए गाइज, पहले तो इन्फोटेक मियान, इनका जो पैकेज था गाइज होता 3.85 LPA, इसमें कुल मिला के 11 स्टूडेंट्स मतलब ये हो गए थे, प्लेस हो गए थे, मतलब CAC से 4, ENT से 4 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 3 स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट है गाइज TCS मियान नागपुर, TCS निंजा, इसमें 20 स्टूडेंट प्लेस हो गए थे, इसमें सिविल इंजीनियरिंग का 1, CAC का 10, इलेक्ट्रॉनिक्स का 4, ENTC का 5 और मैकेनिकल के 0। तो ऐसे आप डेटा देख सकते हो गाइज, यहाँ पे आपको बड़ी कंपनीज जैसे अमेजोन वगैरह तो देखने को नहीं मिलेगी, बट कुछ कंपनीज़ है गाइज जो अच्छा पैकेज प्रोवाइड करती है, जैसे बायजूस लर्निंग ऐप मार्केटिंग। तो ये मार्केटिंग होता है गाइज, और इसका जो पैकेज है वो 10 लाख रुपीज़ तक जाता है, और बहुत सारे कॉलेज में गाइज ये प्लेसमेंट आपको देखने को ही मिलेगा, बायजूस लर्निंग ऐप मार्केटिंग 10 लाख रुपीज़ पैकेज। तो देखिए गाइज, मार्केटिंग का जॉब है तब भी यहाँ पे आप देख सकते हो CAC के स्टूडेंट प्लेस हुए हैं, 2 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं, और 1 सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट प्लेस हुआ है, ठीक है। तो आपके स्किल्स पर भी डिपेंड करता है कि अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं तो आप कोई भी कंपनी में प्लेस हो सकते हो, ठीक है। फिर SCL टेक्नोलॉजीज़ मियान की जो कंपनी आपने देखी होगी, तो उनका भी यहाँ पे आया था गाइज, बट उनका जो पैकेज है वो काफ़ी कम है, आप देख सकते हो 2.26 LPA। फिर नेक्स्ट यहाँ पे अदानी ग्रुप है, टॉपर टेक्नोलॉजीज़ है जो अभी फेमस हो रहा है गाइज व्हाइट हैट जूनियर, तो वो भी आए थे गाइज इस कॉलेज में, और इसने 1 स्टूडेंट प्लेस हुआ है, और इसका जो पैकेज है वो ठीक ठाक है 6 लाख रुपीज़। तो व्हाइट हैट जूनियर में अगर आपको प्लेस होना है तो आप मतलब इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि इस कॉलेज में वो कंपनी आती है फॉर प्लेसमेंट, ठीक है। बट हम ऐसा बोल नहीं सकते गाइज़ कि हर बार यही कंपनीज आएंगी, आगे जाके और भी बहुत सारी कंपनीज आने वाली है, गवर्नमेंट कॉलेज है गाइज़, और आगे जाके और भी डेवलप होगा, तो जो नंबर ऑफ प्लेसमेंट है गाइज़ वो भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। बट ये एक साल का ही डेटा है, तो इस पर हम जज नहीं कर सकते। इस कॉलेज का जो एवरेज पैकेज हम देखेंगे गाइज़ कुल मिला के, तो जैसे कि आप देख सकते हो एवरेज वेटेड सैलरी पैकेज वो है गाइज 4.1717 LPA, जो कि हम ठीक ठाक मान सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस इन नागपुर। तो अच्छा खासा आपको एवरेज पैकेज भी मिल जाएगा, कुछ कंपनीज़ थोड़ा कम प्रोवाइड करती है, बट काफ़ी अलग अलग कंपनीज़ आती है, और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट भी मिल सकता है अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, और अगर आपको CAC वगैरह ब्रांच जैसी ब्रांच मिलती है तो आप अच्छा पैकेज ले सकते हो। अदर ब्रांच भी अगर आपको मिलती है, और अगर आप अकेडमिक्स में अच्छे हो गाइज, तो आपको प्लेसमेंट मिलना
कंपलसरी सा हो जाता है। अगर आप में टैलेंट है तो कंपनी आपके पास आएगी प्लेसमेंट देने के लिए, बट अगर आपके पास नहीं रहेगा और अगर आपने एकेडमिक्स अच्छे से नहीं की होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम भी जा सकता है, ठीक है। तो यही है डेटा गाइस, इसके अलावा और तो डेटा कोई अवेलेबल नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको ये सब कुछ देखना है गाइस तो इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप यहाँ पे जाके सब कुछ डिटेल में देख सको, ठीक है। इसका जो डिटेल वीडियो है गाइस वो भी मैंने बनाया है, तो उसकी जो लिंक है वो आपको आई बटन पर मिल जाएगी। उसके थ्रू आप इस कॉलेज के बारे में जान भी सकते हो कि कैसा कॉलेज है, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है, और जो हॉस्टल है वो कैसा है, उसकी जो फ़ीस है, वो सब कुछ भी गाइस वो वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है गाइस तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे अगर आप कुछ भी पूछोगे तो मैं ज़रूर आपके क्वेश्चंस को आंसर कर दूंगा। और गाइस अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू अपडेट्स मिलते रहें।